नाजरीन जमात, यारी मदद, हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने 1889 में, 1889 में, जबकि आपकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी, बंबई के दरखाना जमात में आप तशरीफ लाए और उस दिन मौला ने जमात से मुखातिब होते हुए ये फरमाया कि आज हम एक खास फरमान आपको फरमाते हैं जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि आप मजीद इल्म हासिल करें और इसके लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास आप चले जाएं। गोया आप वहां पर तशरीफ लेकर गए। वाकया बहुत ही बड़ा है, मैं मुख्तसरन यहाँ पर आपको बताती चलती हूँ। इल्म की कुछ बातें हुई वहां पर। आखिर में जब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े रहकर बातें करते थे, इतने में अचानक एक परिंदा समंदर के ऊपर आया और अपनी चोंच में पानी के कुछ कतरे उठाकर चला गया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा, आपने देखा ये परिंदा अपने चोंच के अंदर कुछ कतरे उठाकर लेकर गया, लेकिन दरिया से पानी कम हुआ नहीं हुआ। आपने फरमाया कि मौला अली अलैहिस्सलाम का जो इल्म है वो इतना वसी है, इतना गहरा है कि इसमें से कोई कितना भी इल्म ले वो इल्म कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो दरिया की मानंद है। तीर तेज साहेबे स्थाते, तीर बड़ा जेने शाह दिखलाया। आज गिनानों के ऊपर जो गुफ्तगु हम करने जा रहे हैं उन गिनानों के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी हम आपके सामने पेश करेंगे ये समंदर के कुछ कतरे होंगे, क्योंकि गिनान इतना वसी खजाना है, इतना गहरा है, इतना वसी है कि इसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता। हम नाचीज इंसान अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर लगाकर, एक परिंदे की तरह गिनानों के अंदर आज हम चोंच मार रहे हैं। बहुत थोड़ा सा इल्म है जो आपके सामने हम पेश करेंगे। मौला के फरामीन हमने सुना, मौलाना हाजर इमाम ने भी फरमाया है कि गिनान को तर्जुमे के साथ, इसके मानी के साथ पढ़े, इनको अच्छी तरह बोले। मौला ने फरमाया कि ये कई जनरेशन तक, कई नस्लों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक शानदार रवायत है। ये गिनान क्या है, हमने फरमान की इस आगाज के अंदर भी सुना कि हर कौम के लिए खुदावन ताला ने हादी को भेजा है। हादी जब किसी कौम के अंदर जाता है तो पहले तो उस कौम की जो सकाफत है, उनकी जो जबानें हैं, इनका मुताला करता है और उन्हीं की जबान में उनको कुछ कहा जाता है, तब जाकर कुछ बात बनती है, कुछ समझ में आता है। पीरों को मौला ने अपने जामे में भेजा। आज से 800 बरस या 900 बरस पहले पीर सद्गुर नूर रहमतुल्लाह अलैहि हमारी तारीख बताती है कि बर्रे सगीर में आने वाले वो पहले पहले पीर थे। इसके बाद में पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर ताजुद्दीन, जो बाकायदा पिरातन के ऑफिस के साथ में हमारी तरफ आए हुए थे, और इनके बाद में काफी सैयदों ने इन काम को जारी रखा और मौला ने इनको हमारी एक वंडरफुल ट्रेडिशन के तौर के ऊपर कबूल किया है। इसीलिए आप देखें जब भी मौला तशरीफ लाते हैं मौला के हुजूर में हम ये गिनान पढ़ते हैं। ये गिनान क्या है, हम इसके अंदर किस तरह जा सकते हैं, इसकी तारीख क्या है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि का फरमान हमने सुना कि पीर सदरुद्दीन ने कुरान का मग्ज निकालकर आपके सामने पेश किया है। हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा जो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे, अवतारों की बातों के ऊपर अकीदा रखते थे,
वो कहते थे कि जब कभी भी दुनिया के अंदर भगतों के ऊपर, मोमिनीन के ऊपर तकलीफ आई है, तो खुदावन ताला ने, भगवान ने दुनिया के अंदर अवतार लिया है। जिस तरह के मोमिनीन थे उस तरह का उनके दरमियान में अवतार लिया है, रूप लिया है, और इनके दरमियान में रहते हुए इनको नसीहत फरमाई है, इनको खुदावन ताला के नूर की शनाख्त करवाई है। न सिर्फ इतना, लेकिन इनके ऊपर आने वाली मुसीबतें, बलाएं, आफतें, बीमारियां, इनसे भी इनको बचाया है। जैसे कि गिनान हम पढ़ते हैं, पर तक पात्र ने परखी ने प्रेम पूजो नहीं पाए। इसमें फिर फरमाते हैं कि कूड़ कपट ने टाड़वा, पाखंड छे जुग माए, निर्मल करवाने पृथ्वी आव्या त्रिभुवर राय। जो भी बुराइयां हैं इन तमाम को खत्म करने के लिए, इस दुनिया को पाक और साफ करने के लिए खुदा खुद इस दुनिया के अंदर आया है, अवतार लेकर आया है, ताकि वो मोमिनीन के बीच में रहकर मोमिनीन की भलाई के लिए, इस दुनिया की भलाई और आखिरत की भलाई के लिए काम अंजाम दे सके। पीरों को जब भेजा, पीरों ने कुरान शरीफ की आयत के मुताबिक उसी तरीके को अपनाया जो हर जमाने के पैगंबर ने अपने वक्त में अपनाया था। जैसे कि खुदा फरमाता है कि उदू इला सबीली रब्बी कबिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इनको खुदा के रास्ते की तरफ बुलाओ, अच्छी अच्छी नसीहत करके बुलाओ, उस तरीके से बुलाओ जो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका है। हमारे पीरों ने जब बरे सगीर में तशरीफ आवरी की, हमारे बाप दादाओं को देखा, इनकी सकाफतों को देखा, इनके अंदर जो चीज राइज थी इनका मुताला किया, इनकी जबानों का मुताला किया, और खुद फरमाते हैं कि वरण छत्री सुर बैताली भाखिया बेरा काने न सुने। 36 किस्म के सुर और 42 जबानों में हमने गिनान को बयान किया है। आप देखें हमारे गिनानों में कितनी जबानें मिलती है, गुजराती है, संस्कृत है, प्राकृत है, सिंधी है, कच्छी है, बंगाली के कुछ अल्फाज आपको मिलेंगे, आपको पूर्वी के अल्फाज मिलेंगे। आप सिंध के गांव गांव चले जाइए, जितने गांव में जितनी जबानें बोली जाती है, पंजाब के गांव गांव चले जाइए, जितने गांव में जितनी जबानें बोली जाती है, हिंदुस्तान चले जाइए, गुजरात के हर गांव के अंदर जिस किस्म की गुजराती पढ़ी जाती है, इन तमाम अल्फाज को पीरों ने गिनान के अंदर डाला है। इसीलिए तो ये नाकिस ज़हन इनको समझ नहीं पाता, क्योंकि हम पीर की तरह न तो उस दर्जे पर हैं और न पीरों की तरह हमने कभी उनके सकाफतों का इतना मुताला किया है कि कभी हम समझ सके। इसीलिए सरकार का सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने एक मर्तबा जब आपके हुजूर में एक गिनान के बंद के कुछ मुख्तलिफ तर्जुमे पेश किए गए, मौला ने देखा, मौला ने फरमाया ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अम्मा पीरों ने जो फरमाया ये तो कुछ और था, वो तो कुछ और था, क्योंकि वो तो देखी हुई बात थी। जैसे मैं देखिया तैसे मैं कहिया, बन देखे एतबार न लिया। ये पीरों के तजर्बात का खजाना है जो पीरों ने हमारे पास लुटाया है। हम अपनी जबान के अंदर क्या बयान करें, आइए हम पीरों की जबान, जो पीरों ने हमको बताया है कि गिनान क्या है, हम उसको हम पढ़े, हमको पता चलेगा। गिनान बोलो रे नित नूरे भरिया, जो शुरू में 3 पाठ में आपके सामने पेश कर दे। पीर फरमाते हैं नूर से भरे हुए ये गिनान है। देखो गिनानों में हमने सिर्फ फरमाया नहीं है, मौला आए हैं यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद है। आवाज सुन रहे स्वामी जी आवियानो आवाज हुआ, मौला आए हैं, मौजूद है हमारे दरमियान में, सिर्फ इनकी आवाज को सुनने की जरूरत है। और आखिर में बताते हैं तू ही तारने वाला है। गिनान सुना हमने अभी, तारे तू तारण हार खुदावन, अवर न तारे दूजा कोई अली, तू ही तू ही तू ही, और कोई नहीं है हमारी रूह के नजात देने वाला। या अली एक सिर्फ तू है
तू है और तू, और कोई नजात देने वाला नहीं है। फिर फरमाते हैं, गिनान जोता मोमन सर्वे शुद्ध पाइए, गिनान बिना सर्वे अंधारा। गिनान कहते हैं इल्म को, नसीहत को, खुदावन ताला के इल्म की बातें, इंसान को दुनिया के अंदर अच्छा कैसा बनना, इस तरह की बातें क्या क्या पीरों ने अंदर बयान किया है। आलमे अरवा की बातें बयान की है, जहां सिर्फ और सिर्फ रूह और कुछ नहीं था, वहां से लेकर माँ के पेट में एक बंदा किस तरह रहता है उसकी बातें बयान की है। दुनिया के अंदर आकर जो जिंदगी इंसान को मिली है, इन्हें किस तरह जीना चाहिए, उनकी बातें गिनानों में कही है। और फिर दुनिया छोड़कर जब खुदा के हुजूर में बंदा वापस पहुंचता है, तो वहां इसके आमाल की सजा और जजा उसको किस तरह मिलती है, यानी कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, पूरी एक झरनी फिर ने गिनानों के अंदर बयान की है। लेकिन चूंकि आज हम सब के सब आपके सामने पेश नहीं कर सकते, जो आपको पता है कि वक्त महदूद होता है हमारे हाथ में, गिनानों के अंदर पैगंबरों की तारीख है, इमामों की तारीख है, और खास तौर पे चूंकि गिनान का और वो हिस्सा जो फिर शम्स, फिर सदरदीन, फिर हसन कबीरदीन का जो जमाना था, उनमें अगर हम जाएंगे तो दावत के बहुत सारे तरीके हमको उनमें मिलेंगे। हमें पता चलेगा कि किस तरह हमारे आबा व अजदाद को हिंदुओं में से निकालकर सत पंथ का रास्ता बताया। सत पंथ, सच्चा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता, जो खुदा फरमाता है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के खुदा के पास एक ही दीन है, वो है इस्लाम। उस इस्लाम का रास्ता हमको पीर ने गिनान के अंदर बताया। गिनान की तारीफ करते हुए पीर बताते हैं कि गिनान बिना घोर अंधारा, गिनान है गुरुजी का दीवा। अगर इल्म नहीं है, गिनान नहीं जानते हैं, तो इसके बगैर अंधेरा गुप है आपके लिए, क्योंकि इमाम की शनाख्त हासिल करने के लिए गिनान एक दिए की तरह है, रोशनी की तरह है, जिसकी रोशनी में मोमिन आगे बढ़ सकता है। गिनान माहे नूर जे जानो, तो गिनान कहे तिम चालो। गिनान में नूर है, किसका नूर है वो आप आगे चलकर भी सुनेंगे कि किस तरह गिनान नूर से भरे हुए हैं। दूसरे गिनान में बताया है कि गिनान माँ है तो साहिब है। अगर गिनानों को हमने समझा तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे पीर क्या थे। पीरों को हमने समझा तो हमें यह पता चलेगा कि यह सतपंथ मजहब जो पीर ने हमको दिया है वो क्या है। और सतपंथ की गहराई में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, नूर खुदाबंदी। जहां तक मोमिन अपनी रसाई करे तो अपनी हकीकत तक पहुंच सकता है कि वो कौन था, क्या है, और इसको कहां वापस जाना है। तो फिर हमको फरमाते हैं कि गिनान माहे नूर जे जानो, तो गिनान कहे तेम चालो। आंधड़ो होए ते पण लकड़ी ठकोरे, अने ते पण न भूले वाट। मुनिवर होए ते गिनान विचारे, ते उवाटे न जाए। एक अंधा शख्स अगर इसके हाथ में लाठी है तो लाठी की आवाज ठक ठक करते हुए भी अपना रास्ता बना लेता है, कोई इसे तकलीफ नहीं देता। सबको पता चल जाता है कि नाबीना है, इसे रास्ता हम दे दे ताकि वो अपने मंजिल के ऊपर आसानी से पहुंच जाए। फिर फरमाते कि गिनान आपके लिए एक अंधे की लाठी की मानन है, ये आपके हाथ में है तो आप रास्ते से कभी भटकेंगे नहीं, कभी नहीं भटकेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी मंजिल मकसूद कहाँ पर है। पारस मणि गुरे मोमन ने दीधी, अने त्यां अंधेरा केम होए। मारा मुनिवर होए ते गिनान विचारे, तो मोमन सच्चा यार। पारस मणि का जिक्र हमने बहुत सारी जगह पर सुना है। पारस पर से लोहा रंग पलटे, गिनान के अंदर पीर ने बताया है कि पारस क्या चीज है कि लोहे को अगर छुए, क्योंकि ये रवायत बयान की गई है जिसको पीर ने हमको गिनान के अंदर समझाया,
कि जब लोहे को छुआ जाता है, टच करता है, तो लोहा अपनी असलियत बदल डालता है, वो सोना बन जाता है। तो पारस मणि ये ज्ञान मोमिनीन के दिलों को जब छूता है, तो मोमिन का जो दिल है जिसके ऊपर जंग लगती है, वो निकल कर पाक और साफ हो जाता है, सोने की मानन हो जाता है, मौला के नूर की मानन हो जाता है। जिरे विरा पान विना सिया रूखड़ा तेनी छाए न बेसे कोई, जिरे विरा ज्ञान विना सिया मोमना तेने मुआ पछे मोक्ष न हुए। एक दरख्त है, अगर इसके पत्ते न हो तो उस दरख्त की छाव पहले हो नहीं सकती है। सिर्फ शाखे अपनी छाव थोड़ी सी देती है, क्या उसके साये में कोई बैठ सकता है आराम से, बच सकता है धूप से? नहीं बच सकता। पीर फरमाते हैं कि इल्म बगैर के, ज्ञान बगैर के जो मोमिन है वो ऐसे पत्ते बगैर के दरख्त की तरह है कि लोग इसके करीब भी नहीं जाते, क्योंकि समझ में नहीं आती बात, इसके साथ बातें क्या करे। जब भी कोई बात करो तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए पीर ने बताया कि ऐसे मोमिन जिनको हकीकत से समझ नहीं है, वो इस दुनिया से जाते हैं तो नजात भी नहीं पा सकते। तो नजात पाने का एक रास्ता ये ज्ञान है। फिर फरमाते हैं कि परगत पेखिया तय जो जानो, विखे विवाद ज्ञान ने मानो, ज्ञान माहे तो साहिब ते दे विषय छे राज, नर ने पैसा दे मेरा भने सजत खान ते मलिया मुने आज। ज्ञान के अंदर साहिब जो पहले मैं बयान कर गई, पीरों ने जो हमको ज्ञान फरमाए हैं बहुत बड़ी तादाद में है, तकरीबन 650-700 के करीब हमारे पास लिखे हुए हैं। बहुत से ऐसे ज्ञान जो हमारे पास लिखे हुए नहीं है, लेकिन काफी बुजुर्ग पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि कोई मैन्युस्क्रिप्ट में हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, इसको जमातों को दे नहीं सकते। लेकिन बहरहाल जो लिखे हुए ज्ञान है इनकी तादाद तकरीबन 650 से लेकर 700 तक है, जो मुख्तलिफ मैन्युस्क्रिप्ट 600 ज्ञान जो खोजकी के अंदर है, इसके बाद 4 ज्ञान फिर सदरुद्दीन, फिर हसन कबीरदीन, फिर शम्स और सैयद इमाम शाह के जो ग्रंथ हमारे पास है, इनमें जो ज्ञान महफूज है इनकी तादाद ये है, और 58 तकरीबन ग्रंथ है हमारे पास जो मुख्तलिफ मजामीन के ऊपर हमको मिलते हैं। जो चीजें हमारे सामने अवेलेबल है उसका जिक्र हम सिर्फ आपके सामने कर सकते हैं, बाकी की चीजें आगे जाकर रिसर्च में जो जो सामने आती जाएगी हम जमात के सामने इसको पेश करते जाएंगे। जिनानों में पीरों ने वहां की सकाफत को किस तरह बरकरार रखा है, इसके कुछ नमूने मैं आपके सामने पेश करती जाऊंगी, जहां कहीं जरूरत पड़ी मैं थोड़ा सा ऐसा खुलासा करते जाऊंगी। पीरों ने हमारे बाप दादाओं से जब बातें कही तो सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्ला अलैहि का फरमान है कि आपके बाप दादा जो हिंदू थे, पीरों ने इनको आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बनाया। अगर उसी वक्त इनको फरमाते कि चलो मुसलमान बन जाओ तो वो नहीं बनते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस मजहब की तालीम दी और इनको सतपंथ से रोशनास कराया, इनको सतपंथ मजहब की शनाख्त कराई। अब ज्ञानों के अंदर चूंकि ज्ञान जब पीरों ने पेश किए हैं तब हिंदुओं से मुखातिब है, इसलिए आप देखें कि हमारे ज्ञान जो मौला ने फरमाया कि रिसर्च पर्पज के लिए इनको रखा जाए, जो भी दिलचस्पी लेता है उसमें वो रिसर्च कर सकता है। इन तमाम ज्ञानों को जब हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें अवतारों के नाम भी मिलेंगे, अवतारों की बातें भी मिलेगी, जैसे के मत वारा नरसी वायमण फरसीराम राम कान बुध और दसवें के अंदर नकलंती अवतार की बातें हैं। अब आप देखें कि जब कभी किसी से कोई बात करनी हो और कोई अपने मजहब के अंदर या अपनी बात के ऊपर इस तरह जिद्दी हो और फौरन जाकर हम इनको कहें कि नहीं तुम कहते हो गलत, हम कहते वो बात सच्ची है, तो क्या सामने वाला कभी हमारे बातों से कन्विंस होगा? कभी नहीं होगा। आप देखिए ज्ञानों में पीरों ने उन्हीं चीजों को
राइज रखते हुए, बरकरार रखते हुए इनको बताया कि बहुत अच्छी बात है। हम कहां कहते हैं कि ये अवतार नहीं हुए, फिर ने बताया कि हम कहते हैं कि अवतार हुए, ये तमाम अवतार हुए। लेकिन 9 अवतार तक आप जब आए हैं तो आप अपनी किताबों को देखो, जो जो वेद पुराण, आप अपनी किताबों को देखो कि हरि 10वें अवतार में आया है या नहीं। इमामा का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि के फरमान के मुताबिक 1951 में यही पाकिस्तान में मौला ने फरमान फरमाया था कि देखो हरि का अली करो। जिनानों में जहां कहीं भी हरि का लफ्ज आता है, हरिवर हरिजन, हम अलीवर कहते हैं, अलीजन कहते हैं, अली के लोग, अली के मानने वाले। मौला ने 1899 में जंजबार में फरमान फरमाया कि आप हिंदुओं की बातें जो विज्ञान में पढ़ते हो उनको बंद करो। मौला ने फरमाया उनको मत पढ़ो। ये तो उस वक्त की बात है जब आप हिंदू थे। 9 अवतारों को छोड़ दो, 10वें अवतार में हमारे जद यानी हमारे आबा व अजदाद और अली की तारीफ पढ़ो। 10वें अवतार में अली की तारीफ पढ़ो, 9 अवतार को छोड़ दो। अब पीरों ने इन 9 अवतारों को गिनानों के अंदर उस वक्त कैसे रखा, क्योंकि हम उस जमाने की बातें करते हैं जब हमारे बाप दादा हिंदू थे और जिनके दरमियान में पीरों ने इनकी जबानों को अपनाकर, इनके अकाइद को अपनाकर, इनकी बातों को अपनाकर गिनानों में बंद किया, बड़ी खूबसूरती से बंद किया, अच्छी अच्छी इनकी तर्ज बनाई। एक आध गिनान अभी मैं तर्ज से पढ़ूंगी, आगे चलकर मैं कुछ तर्ज आपके सामने पेश करूंगी ताकि पता चले कि जैसे जैसे पैगाम थे, जैसे मैसेज थे, पीरों ने उस किस्म के सुर बनाए, उस किस्म की बातें की। और आप सुनिएगा इन गिनानों को, कोई भी तर्ज, कोई भी राग, कोई भी सुर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बेसुरा हो, जिसमें कहीं ताल मिस हो, कहीं रिदम न हो। क्योंकि हमारे बाप दादा जो भजन गाते थे ये बाकायदा थोड़े से म्यूजिक के साथ गाते थे। आप देखे हैं ना जब हिंदू भजन गाते हैं तो किस तरह गाते हैं। हमारे बाप दादा के उन तरीके को जब पीर ने रखा है तो उनकी बहुत सारी रिदम को पीर ने अपनाया है, इनकी बहुत सारे तरीके को पीर ने अपनाया है। एक जो तरीका था वो है आरती। दुनिया के दूसरे हिस्सों में दुआ से पहले आरती पढ़ी जाती है। हम जैसे संध्या वेला का पाठ यहाँ पर पढ़ते हैं, आशा जी के कुछ पाठ पढ़ते हैं, आरती पढ़ी जाती है। आरती क्या थी कि वो बुध जब बनाते थे, बुध को बनाने के बाद बुध की जब पूजा करते थे तो एक थाली के अंदर कुछ फूल की पत्तियां, कुछ चावल के दाने या केसर या कंकु या जाफरान का थोड़ा सा पानी लेते थे, इसमें एक दिया जलाते थे और मूर्ति के चारों तरफ घूमते घूमते एक भजन गाते थे, एक गीत बोलते थे। पीर ने जब देखा कि ये अवतारों के बुत बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के देवों के बुत बनाते हैं और इनके सामने ये आरती गाते हैं, पीर ने फरमाया कि चलो मैं भी आपको एक आरती बताऊं। और वो किस तरह की बताएं? ए जी से दीप मेशा जागे रा बे सुर कैसे। आपको लगता नहीं है कि इसके साथ में मंजीरे बजते, घंटियां बजती, क्योंकि पीरों ने इसी तर्ज दी
कि हमारे बाप दादा थोड़ा सा इस बात को समझे कि हकीकत नौ अवतार के भूतों को लेकर आज हम बैठे हैं, वो आरती हमें नकलन की जो हाजिर जामा है उसकी करनी। पीर ने दूसरा तरीका इनको बताया। पीर ने बताया, देखो ये नूर जो है नकलन की का, ये सेंटर दीप ईरान के शहर में, उस वक्त इस्लाम शाह अलैहिस्सलाम का जमाना था, वहां पर हाजिर है। देखो अगर आप उनकी भक्ति करना चाहते हो तो मत कोई लाज करो अलीजन, हरिजन था यहां पर क्योंकि वो हरि के भक्त, मत कोई लाज करो हरिजन, हर जिनी भक्ति करो अली जिनी भक्ति करो, आछे तन मन खट दर्शन तो सुन पूजाए। ये आप जो कुछ करते हैं उसके सामने वजूद नहीं, वजूद नहीं, मौजूद भी नहीं है, भूत है जिनके सामने आप बैठे हैं, तो आपकी जो पूजा है वो जाया हो जाती है। अगर पूजा करनी है तो चलो हम आपको शनाख्त करवाते हैं। पीर ने इनके शास्त्र में से, इनके वेदों में से, इनके मजहब की इनकी किताबों में से कुछ बातें निकाली, इनके सामने पेश की। पीर ने इनको बताया, रोवे रोवे हिंदूड़ा ने दूजा मुसलमान, रोवे बामण जोशीड़ा वाचिन पुस्तक पुराण, रोवे मुल्ला काजीड़ा हेजे पढ़न कुरान, एक न रोवे जेने सतगुरु भेटे। हिंदू भी रोते हैं और मुसलमान भी रोते हैं, बामण भी रोते हैं, ब्राह्मण जिसको कहते हैं, जोशी भी रोते हैं। हिंदू इसलिए रोते हैं कि नौ अवतार तक तो कहते रहे कि भाई भगतों के ऊपर तकलीफ आए तो भगवान ने अवतार लिया, अब दसवें अवतार के अंदर तो नहीं है और हम सब तकलीफ में बैठे हैं, पिछली बातों को याद किए जा रहे, आज रो रहे हैं। मुसलमानों को शनाख्त हुई, अल्लाह का नूर जमीन पर आया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इनको शनाख्त हासिल होने के बाद कुछ इमामों तक रुक गए या हदीस तक रुक गए, आगे नहीं बढ़े। मौला ने फरमाया वो भी रोते जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान का भेद नहीं पाते, इनका राज नहीं समझते कि खुदा का नूर जो हर वक्त कयामत तक जो दुनिया में मौजूद रहकर दुनिया के लोगों के लिए रहनुमाई करता रहेगा, आज कहाँ है वो नूर, आज वो नूर कहाँ है। वो भी रोते हैं क्योंकि नूर की मौजूदगी का एहसास नहीं, शनाख्त नहीं। बैठे हैं, एक कौम ऐसी है जो नहीं रोती और वो सतपंथी, वो सतपंथी है जिनको सतगुरु मौला मुर्तजा अली अलैहि सलाम का नूर मिला है जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है। अब जब नूर आ जाता है तो नूर किस तरह अपने मोमिनिन के साथ में बर्ताव करता है क्योंकि वो हाजिर है, इसलिए पीर ने बताया कि पछीते राज रिखीसर ने कराव से तमें वाची जुओ वेद पुराण, कि वो आएगा मोमिनिन को राज कराएगा, अपने वेद को भी पढ़ो अपने कुरान को भी पढ़ो, कि वो हर जमाने में वो मौजूद रहेगा। आज कल माहे परवरिया दसने ते दीन दयाल, सामी अरब देश माहे अवतरिया, राम ते रूपे रहमान।